बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में बहुत ही खुश और खुशहाल होंगे। तो अच्छा फ्रेंड्स, ये क्या आज मैं अनपैक कर रही हूँ, ये मुझे मिला था मेरा बर्थडे पे गिफ्ट। और जी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल गिफ्ट था ये, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज आगाज़ मैंने इसी से किया है अपने ब्लॉग का। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उसने मुझको ये गिफ्ट करा था और ये इतनी प्यारी चीज़ है ना, यकीन करिए। अब तो मतलब मुझे यूज़ करते हुए भी इसको काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि मेरा ही व्लॉग बहुत लेट पहुंच रहा है। तो मैं इसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ माशाल्लाह से, और मैं आपको भाई पूरा एक एक चीज़ इसकी दिखा रही हूँ। तो ये खूबसूरत बहुत है माशाल्लाह, खूबसूरती के साथ साथ ना बड़ा ही यूज़फुल है। मैं आपको दिखाऊंगी, देखें इसके साथ कितनी प्यारी सा ये, मतलब इसके अंदर ना हम लोग निकाल कर और मेजरमेंट भी इसके साथ मतलब मेजर कर सकते हैं कितनी क्वान्टिटी में हमको चाहिए। बड़ी खूबसूरत सी ये चीज़, और रखी हुई भी बड़ी अच्छी लगेगी। इसमें देखें इस तरीके से ना, ये 6 पोर्शंस दिए हुए हैं। इसमें आप अलग अलग तरह से जो है दाल रख सकते हैं, और मतलब आपकी मर्ज़ी है दाल रखे, राइस रखे। जब मेरे यहाँ जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है मैं वो इसमें रख रही हूँ। तो बस मेरे पास रखे, मैं आपको याद होगा मेरे एक ब्लॉग में मैंने सारे ना पैकेट्स ही रख दिए थे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस की भी कमी रहती है फ्रेंड्स। क्योंकि मेरा जो है किचन में ना अलमीराज जो है वो थोड़ी सी कम है, तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ना बास्केट में ही करके रखी हुई थी। तो जब ये आया तो मैं इतनी खुश हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने सारी दालें आप देखें इस तरीके से ना, अच्छा मेरे यहाँ जो है कुछ यही दालें ज़्यादा यूज़ होती हैं, मिक्स दाल हो गई, और जी जैसे खिचड़ी वाली दाल हो गई या अरहर की हो गई, जो भी दालें हैं मतलब जो मेरा यूज़ होती है मैं रख दूँगी। और सबसे अच्छी बात है एक ही जगह पर रखी रहेगी, सामने रखी रहेगी, ये खूबसूरत भी लगेगी और सामने रखी भी बुरी भी नहीं लगेगी बिल्कुल भी इस तरीके से। तो आप लोग देखें मैं किस मतलब मैं इतनी खुश थी ना, मैं बड़ी खुशी खुशी ना सारी दालें वाले इसके अंदर सारी रख रही थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को ना भी दिखाऊँगी भी कि कितना यूज़फुल है, क्योंकि अभी तो जब मैं ये डाल रही थी यकीन करें मुझे भी नहीं पता था कि कितना यूज़फुल है। बस मुझे था कि मैं अट्रैक्ट हो रही थी इसकी तरह, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, और लेकिन मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये जो स्पेस है ना, इसमें आपने ना ऐसी चीज़ रख दी ताकि दालों में ना कीड़े वीड़े ना लगे, तो मैंने इसमें ना लौंग रख दी थी। और जी मैं इसके अंदर जो है स्टार वाला जो फूल होता है ना, मैं वो इसके अंदर रख दूंगी। देखें आप इस तरीके से, तो उसकी खुशबू भी की वजह से ना इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, क्योंकि मुझ जैसे जो लोग हैं उनके यहाँ तो ज़रा सा ना कम ही दाल वगैरह ज़रा यूज़ होती है। आप ये देखें इतना स्मूथ निकल रहा था ना फ्रेंड्स इसके अंदर, मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप लोग मेरी स्माइल देख सकते हैं, और ये मुझे इतना पसंद आया कि मैं वाकई रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर लें। और ये अमेज़ॉन वगैरह पर मिल रहा है, बहुत ईजिली है अवेलेबल है ये। अच्छा ये मेरी फ्रेंड ने, तो क्योंकि वो मुझे कुछ देना चाह रही थी, तो मैंने मुझसे जब बताने लगी कि प्लीज़ मुझे चूज़ करो तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने ये चूज़ करके बताया, क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद था। देखिए आप, मैंने इसकी फ़िलहाल तो ये जगह बना दी फ्रेंड, यहाँ मेरा जो है पानी रखा रहता है, वहाँ पे मेरे कुछ और मसाले वगैरह रखे थे, क्योंकि स्पेस ना अंदर किचन में थी नहीं। अच्छा जी, क्या और ये नई चीज़ थी, ये तो खैर मेरे हस्बैंड खुद लेकर आए थे, ये कोई गिफ्टेड नहीं है। एक्चुअली हमारे ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह की बड़ी दिक्कत आ रही थी कि सामने रहें, थोड़ा सा मैं ऐसा ही चाह रही थी कुछ। सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि ये हैं ग्लास के जार्स, और इनकी जो लिड है वो वुडन है, तो एक तो मतलब वैसे भी बहुत अच्छे हैं और दिखने में भी ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बस इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स थे कुछ चीज़ें वो मैंने इसमें डाल दी हैं, ताकि ना ज़रा सा खजूर वगैरह जो है डेली उसमें आ जाए। और क्योंकि खाने में आती भी वो पॉलिथीन में रखी रहती हैं, अभी अलग अलग डब्बों में, तो निकालना भी मुश्किल, फिर बताना भी मुश्किल, तो बड़ा मुश्किल होता था, तो ये मैं साइड में रख दी। अच्छा जी, ये ना चॉकलेट्स भी मेरे हस्बैंड साथ में इसके ले आए थे, तो ये चॉकलेट जो है मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँ, इतनी मज़े की थी ना। एक तो मैं बड़ी मतलब ना चॉकलेट लवर हूँ, तो चॉकलेट तो मेरे यहाँ से रुक ही नहीं सकती है, और ये आप यकीन करें कि हमारे एक दिन में गायब हुई। मेरे सभी लोगों को ना चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैंने बड़े उससे रखी थी, और बड़ा उससे मैंने ना बताया जब मैंने सबको बांट दी ना, उसके बाद मैंने कहा देखो अभी इसके अंदर ना इतनी बची हुई है, और ये ना मुझे कल तक इतनी दिखनी चाहिए, आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन इन हाफ एन आवर वो गायब। तो जब नेक्स्ट डे माम जो है वो निकालने गई, बोल कि मम्मा ने चॉकलेट रखी थी, तो एकदम से कही मेरा भी इसमें चॉकलेट्स कहाँ गई सारी, कही वो तो सब रात ही रात ख़त्म हो गई। मतलब ये समझने चॉकलेट्स तो मेरे घर रुक ही नहीं सकती, कितनी भी आ जाए माशाल्लाह सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। खैर अब ये जो है बाकी जो चीज़ें रह गई थी, कुछ चीज़ें मुझे ना फ्रिज में भी रखनी थी, तो मैं बाकी रख रही थी कि मैं फ्रिज के अंदर ये रख देती हूँ। तो बस कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें इसी तरीके से मैंने अपनी ऑर्गेनाइज़ करी, और मुझे बहुत खुशी हुई इसको करके। उसके बाद चलें जी, बहुत बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं ज़बरदस्त सा जो है मटन बर्रा की रेसिपी लाई हूँ, तो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे जो मटन बर्रा में स्पाइसेस जाने हैं वो है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने लिया है अनारदाना पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर है, सिनेमन पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, हरी इलायची का पाउडर है ये,
और हाफ टी स्पून ही आप इसके अंदर देख लें नटमेग पाउडर है, जिसे जायफल बोलते हैं, जायफल का है। यह खुशबू बहुत अच्छी और इसका जो है ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर वाइट पेपर लिया है, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा, 1 टेबलस्पून मैंने नमक का लिया है, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून इसके अंदर चाट का मसाला जाएगा। तो ये हैं कुछ ड्राई स्पाइसेस। और जी, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है भर भर के, और ये देख लीजिए ये है हंकर्ड। मैंने इसका क्या करा ना, एक छन्ने में डाल के रख दिया था, फिर अब पानी सारा इसका जो है वो निकल गया था। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा जो है हंकर्ड बन गया है, ठीक है। और जी, 2 नींबू का रस मैंने ले लिया है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं इसको मैरिनेशन के लिए। अच्छा जी, हमारी जो है 1 kg जो है वो चाँप हैं, तो चाँप जो है मैंने डबल वाली मंगवाई थी, और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया है, दही डाल दी है, और जी जितने भी हमारे ड्राई स्पाइसेस थे वो सारे इसके अंदर चले जाएंगे। और अब हमने अपने हाथों की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर देना है कि सारी जो चाँपें हैं वो हमारी जो है अच्छे से इसमें सारा मसाला हमारा लग जाए। आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से। और जी बस, अच्छा एक चीज़ इसमें अभी रह गई है, वो मैं भी थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ, और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी सरसों का तेल, जो कि कच्चा ही डाला है मैंने। तकरीबन समझ लें 1/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाल दिया है, उसको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद फिर इसको मैं ढक कर जो है, आप लोग ओवरनाइट रखें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बट मैंने 2 घंटे के लिए रखा था। तो 2 घंटे के बाद जब मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया है, तो देखिए मैं बहुत क्विक वाली रेसिपी बता रही हूँ इसकी, जो कि बहुत जल्दी से बन जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी। यकीन करिएगा, एक बार मेरे कहने से बनाइएगा तो मेरी रेसिपी बहुत बहुत उम्दा बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटन बर्रा आपका रेडी हो जाएगा। चलिए जी, अब इसमें ऑलरेडी तेल वगैरह सब था, तो मैंने इसको डायरेक्ट जो है कुकर के अंदर डाल दिया। अच्छा फ्रेंड, आप लोग चाहें ना तो थोड़ा सा जो है कुकर के अंदर पानी डाल दीजिएगा, और वरना तो वैसे दही और गोश्त दोनों ही अपना पानी छोड़ते हैं, बट सेफ साइड के लिए आप लोग डाल लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसको गलाया, एक विसल आने के बाद मैंने 6 मिनट हल्की आंच पे इसको गलाया था। उसके बाद इसमें जो है ना सारा दही ने और ये मटन ने अपना जो पानी वगैरह छोड़ा है उसको फिर हम ना इस तरीके से भून लेंगे। और अब आप देखें, मैंने उसको ना शिफ्ट कर दिया था एक पैन में, ताकि ये खुले उसमें मैं ज़रा अच्छे से भून पाऊँगी, उसमें बहुत कंजेस्टेड सा हो रहा था। तो बस देखिए, आप इसका ना खूब अच्छा सा हमारा भून गया है, आप देख सकते हैं बोटी बहुत ज़बरदस्त गली थी हमारी, टूटी बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद मैंने इस तरीके से ना, आपने गैस पर रख लेना है किसी भी इस तरीके के छन्ने के साथ, और मैंने हल्का सा ऑयल इस पर ग्रीस करा था, और इस तरीके से मैं सारे मटन की जो चाँपें हैं ना वो इस पर रख दूंगी। और अच्छा सा हमने इसको स्मोक लगा देना है, मतलब कि ना आपको एक अच्छा सा मतलब इसमें जो कलर आएगा और बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ जाती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा फ्रेंड। तो ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास ना हो ये चीज़ तो आप चिमटे से पकड़ के ना एक बोटी को भी कर सकते हैं। और बस देखें जी, हमारे जो हैं मटन जो चाँपें हैं, मतलब जो बर्रा हमारा रेडी हो रहा है, बहुत शानदार इस तरीके से रेडी होगा। देखें आप कितना शानदार ये बना है, इतना आसान है ना फ्रेंड्स इसकी रेसिपी, और मस्ट रेसिपी है। आपके यहाँ गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो ज़रूर इसको बनाइएगा। और अब मैं इसके ऊपर जो है मेल्टेड जो है बटर डाल रही हूँ, इससे इसका जो है ना फ्लेवर और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो बस फ्रेंड, बहुत इजी थी और ज़बरदस्त शानदार मटन बर्रा की रेसिपी आज आप लोगों के लिए लाई हूँ। एक बार ट्राई कीजिएगा, यकीन करिए बहुत पसंद करेंगे सब लोग। और अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे कैसे ऐसे ही सर्व करना चाहते हैं, रुमाली रोटी के साथ करना चाहते हैं, पराठों के साथ करना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। चलिए जी, अब मुझको दीजिए इजाज़त फ्रेंड, कल इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।